रूस एक के बाद एक यूक्रेन के इलाकों पर हमला करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक वो यूक्रेन के कई गढ़ों को अपने कब्जे में ले चुका है और वहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ चुका है। रूस वैश्विक शांति की बात तो करता है, लेकिन जहां वो शांति ला सकता है वहां 2 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद कोई शांति नहीं ला सकता। रूस और यूक्रेन को एक दूसरे पर हमला करते हुए, एक दूसरे के निर्दोष नागरिकों और बच्चों को मारते हुए 2 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से युद्ध रोकने या सीज फायर की कोई पहल नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि रूस बयानबाजी भले ही कुछ भी करे, लेकिन उसके इरादे और मंसूबे कुछ और ही हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब यूक्रेन के सैन्य हथियार लगभग खत्म थे, वो रूस पर हमला करने की स्थिति में नहीं था और उसे उसके अमेरिका जैसे पश्चिमी सहयोगियों से कोई मदद भी नहीं मिली थी। ऐसे समय में भी रूस चाहता तो यूक्रेन के साथ बातचीत कर युद्ध खत्म करने का प्रयास कर सकता था। अब रूसी सेना ने शुक्रवार को उत्तर पूर्व में यूक्रेन के खार्किव शहर के पास एक बख्तरबंद जमीनी हमला किया और घुसपैठ की है। इससे उसने युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर सिनेहुगोव की माने तो सीमावर्ती बस्तियों पर भारी गोलाबारी के दौरान कम से कम 2 नागरिक मारे गए और 5 घायल हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में युद्ध तेज होने से यूक्रेन ने अतिरिक्त सेनाएं भेजी हैं, और मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूस ने सीमावर्ती शहर वोचांस पर टारगेटेड हवाई बम और तोप से हमले किए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने सुबह लगभग 5 बजे एक बख्तरबंद हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक सम्मेलन में कहा कि रूस ने हमलों की एक लहर शुरू कर दी है, अब भीषण युद्ध जारी है। दरअसल यूक्रेन को खार्किव शहर के पास रूसी जमावड़े की जानकारी थी। उसे आशंका थी कि रूस आक्रामक हमला करने और यूक्रेनी सैनिकों को हताहत करने की प्लानिंग में होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि रूस हमला करेगा ही। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस इस बसंत या गर्मी में एक बड़े हमले की तैयारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेनाएं शुक्रवार को हुए रूसी हमले से निपटने के लिए तैयार थी। उन्हें आशंका है कि रूस इस इलाके में और सैनिक भेज सकता है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने पहली बार कहा कि रूस सुमी के यूक्रेनी क्षेत्रों और चेर्निहाइव के कुछ हिस्सों के पास खार्किव के उत्तर में सैन्य योजनाएं बना रहा था। जनरल स्टाफ ने कहा कि 3 सीमावर्ती गांवों स्ट्राइलेचा, पिलना और बोरिसिवका पर कंट्रोल के लिए लड़ाई छिड़ गई है। एक वरिष्ठ यूक्रेनी सैन्य सूत्र ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि रूसी सेना वोचांस के पास यूक्रेनी सीमा के अंदर लगभग 1 किलोमीटर तक घुस गई थी। सूत्र के मुताबिक रूसी सेना बफर जोन बनाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को यूक्रेन के अंदर 10 किलोमीटर पीछे धकेलने के इरादे में थी, लेकिन यूक्रेनी सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले में व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका रूस के खार्किव हमले पर यूक्रेन के साथ मामले पर नजर रख रहा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यह निश्चित रूप से संभव है कि रूसी खार्किव पर बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। लगातार जारी हमलों से यूक्रेनी शहरों की आबादी घटती जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं और बचे हुए लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपने शहरों को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। पुतिन के मार्च में दिए एक बयान से भी यूक्रेन की चिंता बढ़ी हुई है, जिसमें उन्होंने यूक्रेनी क्षेत्र के अंदर एक बफर जोन बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि रूस को गोलाबारी और सीमा पर घुसपैठ से बचाने के लिए बफर जोन जरूरी था। तभी से खार्किव पर कई हवाई हमले हुए हैं, जिसमें इस क्षेत्र के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट किया गया है। दरअसल खार्किव रूस के निकट होने के कारण खास तौर से असुरक्षित है।